तो भाई लोग फिर से आ गए मेरे को बोली कि बेहतरीन सी गेम प्ले वीडियो में। और भाई पिछली वाली वीडियो में हमने चैप्टर 4 खत्म कर दिया था, चैप्टर 5 शुरू कर दिया था। और अभी मुझे नहीं लगता गाइस में कोई खास खतरा वतरा होने वाला है, क्योंकि भाई हम बॉस बन चुके हैं इस स्कूल के। अब भाई देखते हैं आगे क्या गेम में होता है, क्या रहता है ये बात। अभी मुझे भी नहीं पता भाई क्या होने वाला है गेम के अंदर, ठीक है। क्योंकि भाई सभी हमें अपना बॉस मारने लग गए भाई, फुटबॉलर वुटबॉलर हर कोई कोई हमारे सब फालतू नहीं बोलता, कोई पंगा नहीं लेता भाई, जो सरुसल सब हमें अपना भाई बॉस मारने लग गए। और भाई हमने ये भी कहा था कि हम यहाँ पे सिर्फ सबसे भाई मैटर्स उल्टा के और अपने आप शांति से रहने आए थे, लेकिन भाई अब बॉस बन गए तो किसे बुरा लगता है बॉस बनना, वी आर नाउ बॉस। और भाई इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, फटाफट वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो दबा के, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है भाई, सारे एक साथ आ गए, ठीक है भाई। तो स्कूल के बाद अब हम अपने पूरे शहर के बॉस बनने वाले हैं, ठीक है भाई लोग। तो हम क्या कहते हैं अभी अपने पूरे स्कूल के तो बॉस बन ही चुके हैं। और भाई जितने भी बालक थे भाई सारे पटौती वटौती सारे के सारे भाई अपने क्या कहते हैं अपने साथ थे। और भाई उन्होंने हमारे से कहा कि हमें इस स्कूल के बाद ना पूरे शहर का बॉस बनना चाहिए, ठीक है, मेयर की तरह। और हम क्या है भाई इस शहर में अपना नाम करने जा रहे हैं, जहाँ तक कोई बड़ा सा टंकी वंकी गिरा देंगे, क्योंकि शहर में वोटर कूलर तो होता ही भाई, टंकी गिरा देंगे पूरी, ठीक है, नाम करने के लिए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। देखते हैं और क्या होता है। और भाई लेकिन तभी एक चीज है भाई, बीडी हमारे पास आया था, वो हमारे से कुछ कहना चाहता था, लेकिन भाई हमने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। और फिर जब हम जान लग रहे थे अपने नाम वाम लिखने हुए शहर में, हाँ हम दीवारों पे नाम ही लिखने वाले अपना नाम करने के लिए शहर में, ठीक है। तो तब वो कहता था ना कि तुम्हें गैरी के बारे में कुछ याद है क्या, लेकिन हम उसकी बात सुने भी ना आ गए। तो मुझे लगता है अब गैरी कुछ गलत सीन करने वाला है, देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है भाई। ये जहाँ तक है मेयर का कोई बड़ा सा घर वर है, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ हम किसी बड़ी सी बिल्डिंग पे आ गए हैं, ठीक है। और भाई यहाँ अपनी साइकिल खड़ी करके और यहाँ पे नाम लिखना है अपना कहीं पे, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे अपना। कोई वार्निंग लिखने वाले हैं हम सब लोगों को कि भाई हम हैं नए बॉस इस जगह के, और जो भाई बात नहीं मानेगा उसे लटका लटकू देंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे खतरनाक सा। ओ भाई पुलिस भी आ गई नीचे, ये तो कुछ ज़्यादा ही नाम लिखने पे आ गई पुलिस, वाह हमने तो टंकी भी नहीं गिरी यार अभी। नाम भी नहीं करना था भाई, अपने स्कूल का नाम लिखा है हम शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे और उसके एकदम टॉप पे, और इसी बात को देख के भाई पुलिस आ गई नीचे। हट 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 जा हट जा हट जा, ठीक है यहाँ गए और ठीक है। यहाँ तो ऐसे आ गए लोग लड़ने जैसे डीएम से लड़ने जाते हैं। अबे इतनी क्या फट रही है यार, चुमाई तो है, ठीक है भाई। तो अभी हम यहाँ लाइब्रेरी के पास आए थे भाई, यहाँ पे जितने बंदे हैं ना भाई सारे के सारे मैसे ऐसे लड़ने आ गए जैसे डीएम से लड़ने जावे लोग जब सड़क नहीं बनती, ठीक है। शायद हमारी रेपुटेशन भी कुछ ऐसी है डीएम वीएम जैसी। और भाई यहाँ पे लाइब्रेरी में है ना बहुत सारे चूहे आ गए, हमारे से ये सारे जितने पटौती वाले थे लड़ने आ गए क्योंकि इनकी चूहों से फटती है। तो ये भाई हमारे से कह रहे हैं कि तुम ये चूहों को यहाँ से भगाओ, तो भाई अब हम क्या है इन्हें चूहों को पकड़ने वकड़ने आए हुए हैं भाई, ढूंढने मुश्किल है। पहले तो ये लगा भाई इसका एक पत्थर, ये लगा भाई पत्थर बजाने में चूहों में, अब बिलोटा लगा छोड़ दो ना यहाँ पे एक मोटा सा अपने आप भग जाएंगे, फिर तो हमें लगा था भाई दूरी पे। अरे भाई बिलोटा वाला काम उनसे मत करवाओ, ले भाई ओ भैया कितने सारे चूहे लेकर के भागे, ओ भाई कितने सारे चूहे लेकर के भागे एक जगह से। See if any of them are still lurking in there. These crates? Yes, those crates. अच्छा यहाँ पे वो चूहे हैं, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे चूहे हुए भगाए हैं तो पत्थर मार के, तो अभी क्या कहते हैं यहाँ पे एक क्रेट थी उसके अंदर से लिख रहे थे बहुत सारे चूहे, पता नहीं भाई किसने पूछा दी थी यहाँ पे क्रेट। जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई गैरी ने पूछाई होगी, पक्का मुझे विश्वास है भाई इस बात पर, ठीक है। और मैडम ये कह रही है लाइब्रेरी वाली कि अगर तुम्हारी कोई फीस रह गई हो मतलब तुमने कोई किताब विताब ली हो और अभी तक अगर तुमने उसके लिए पैसे ना दिए हो तो उसे भूल जाओ। तो भाई ये कह रहा जिमी हॉपकिंस के मैं तो बहुत टाइम पहले ही भूल चुका हूँ। अभी भाई फुटबॉल फील्ड में मिशन आया जाके देखते हैं फुटबॉलर को क्या टेंशन है। अबे जिम में किसने आग लगा दी भाई, भाई बिल्कुल डीएम की इज्जत ही नहीं है कोई,
इससे बढ़िया तो पठोती लौंडे ही है। यहाँ पे कुछ गलत सीन हो गया लाइब्रेरी मतलब इसमें जिम में, भाई कोई फालतू की हरकत कर रहा है। और मैं बताऊं भाई क्या हुआ यहाँ पे जिम में, भाई आग लग गई। मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है भाई गैरी ने लगाई होगी, क्योंकि भाई हम यहाँ पे बॉस बन गए और उसे ये बात बढ़िया लगी होगी। ठीक है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया हमने और मारते हैं सब जगह, आग बुझाते हैं भाई। अब पहले तो लाइब्रेरी में चूहे छोड़े और फिर जिम इसमें जिम में आग लगा दी। और भाई अभी जो जिम का मास्टर था भाई हमारे से कहा था कि तुमने यहाँ पे आग लगाई है क्या, तो हमने कहा कि भाई हम तो नहीं आग लगा रहे, और ये पता नहीं भाई किससे लगा दी, क्योंकि हमें अभी सीरियसली कंफर्म नहीं है कि किसने करा होगा ये। और हम तो यहाँ पे खाली बुलिंग रोकने आए थे। तो भाई मास्टर कहा कि मैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बुली से, और मैं तो बुली को इनकरेज करता हूँ जिससे कि लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। तभी भाई अंदर से कई बंदों की आवाज़ आने लगी, कई लोग अंदर क्या है फंस गए थे भाई आग में। तो अब क्या है, हम यहाँ पे आए हैं भाई आग वाग बुझाने जिम में। ठीक है भाई, ज़्यादातर आग हमने बुझा दी भाई, सीढ़ियों के पास से फायर एक्सटिंग्विशर रखा था। तो भाई ये बंदा दब गया था, इसके नीचे भाई गिर गई थी पूरी बड़ी चीज़ जिम में, तो इसे भी हमने निकाल दिया। भाई एक वो बंदा इसके नीचे गिरा हुआ है, ये भाई कोई सीढ़ी संधि पता नहीं क्या ये चीज़ गिर गई, और इसके नीचे एक वो बंदा गिरा हुआ है। अरे यार वो आग लग गई भाई, क्या चल रहा है, हमने उस बंदे को बचाया, इतने और आग लग गई। ठीक है भाई, बचा दिया सबको। ठीक है भाई, तो इसने ये जो लौंडिया ना, इसने किसी को देखा था नीचे सीढ़ियों पे, जो फुटबॉल की टीम में से है, इसने किसी को देखा था नीचे जो कि जिसने कि हो सकता है आग लगाई हो। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कौन हो सकता है भाई, ये कौन है भाई। भाई भाग गया एकदम से भाई, जैसे हम देखने गए थे ना कौन है जिसने आग लगाई, भाई धक्का देके भाग गया, कोई जैकेट में था। ठीक है, तो भाई लोग आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। और भाई आज हमने पूरे शहर में अपना नाम करा भाई, दीवार पे नाम लिखा, और भाई कुछ गड़बड़ भी हो रही है स्कूल में, मुझे पक्का पता है भाई कुछ तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से एक पेटी आ गई अपने लाइब्रेरी में और भाई वहाँ पे चूहे निकल गए और जिम में जाकर आग लग गई, और हमें कोई दिखा भी था बंदा भगता हुआ। तो ये सिंपल सादी बात है कि कोई कर रहा है भाई, और मुझे तो पूरा भाई लगता है गैरी हो सकता है, या फिर वो किससे करवा रहा हो। गैरी का भाई कुछ ना कुछ तो सीन है इसके अंदर, क्योंकि वो जब से दिखा नहीं है काफ़ी टाइम से। तो आज वाली वीडियो बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में मजा आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और भाई कमेंट करके बताओ यार कौन हो सकता है जो मतलब ऐसा कर रहा हो, गैरी होगा या कौन होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट करके, और हम तो मिलते हैं अगली वीडियो में।